जी अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं रफ़ीक्स अमेज़ोनिक्स। जी भाई, तो पहला लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड किया था अबाउट के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अमेज़ोन FBA होलसेल के लिए हमें चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, तो हमने वो डिस्कस किए। तो अभी हम दूसरे लेक्चर पे आए हैं, लेक्चर 2। तो अब आप देखें कि भाई लेक्चर 2 में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें। आई होप जो पहली वीडियो थी वो आपके लिए आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही, कोई मसला आ रहा है समझ वगैरह में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट्स में जवाब दे दिया करूँगा आपको। और अगर कोई वीडियो आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि भाई इस पर वीडियो एक बना दें, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा एक। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप नीचे मेंशन करें कि भाई ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं लेक्चर 2। जी तो लेक्चर 2 है, पहले लेक्चर 1 था कि अमेज़ॉन FBA होलसेल स्टार्ट करने में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या चाहिए। तो एक एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, एड्रेस, LLC, रीसेलर सर्टिफिकेट, अमेज़ॉन अकाउंट, एड्रेस, फ़ोन नंबर, लगता सब कुछ। अब उन लोगों को हम डीपली डिफाइन करेंगे एक एक चीज़ को। तो पहले मैं बात करता हूँ LLC की, कि इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर वेन क्रिएट LLC एंड अदर टिप्स। जी तो LLC क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि LLC होना लाजमी है। जब आप अमेज़ॉन FBA होलसेल करते हैं तो LLC होना लाजमी है, ठीक है। तो जिस स्टेट में आप बिजनेस करेंगे, अगर हम बात करें US की, तो US में LLC चाहिए। अगर हम बात करें UK की, तो वहाँ LTD चाहिए, ठीक है। तो LLC कैसे क्रिएशन होती है, उसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है LLC की, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि LLC आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद इसकी क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप अमेज़ॉन बिजनेस करने जाओ तो ऐसी चीपेस्ट स्टेट के पास नहीं जाना, LLC क्रिएट वहाँ नहीं करना जहाँ मतलब आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो अप ना करे, ठीक है। तो इन माई ओपिनियन, इन माई आइडियाज़, मैं आपको दो बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल योमेंग है एक, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो ये चीपेस्ट मतलब स्टेट्स हैं, ठीक है। तो आप न्यूयॉर्क में जाओ, टेक्सास में जाओ, मतलब बहुत सारी हैं, तो आप वहाँ LLC क्रिएट कर सकते हो। US में फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट US। तो LLC एक बिजनेसमैन का मतलब एक वेबसाइट होती है, ठीक है। मतलब एक मैं कैसे कहूँ, जस्ट लाइक दैट, के कोई भी बिजनेस अथेंटिक अथेंटिक एक मीन्स विपन होता है ना अमेज़ोन पे LLC का। तो LLC लेने का मतलब ये है कि भाई जब आप अमेज़ॉन पे US में बिजनेस कर रहे हैं तो US में आपको LLC बाय करनी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि LLC क्या होता है, ठीक है। LLC बाय करनी होती है आपको US में, तो ये मस्ट है। LLC एक बिजनेस का पहला स्टेप है। आपका अकाउंट है, आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद विदाउट LLC आप होलसेल बिजनेस नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया होलसेल बिजनेस करने में अहम किरदार अदा करता है LLC। LLC आपका एक प्रूफ है जो आप अमेज़ोन को देते हैं, अमेज़ोन को बताते हैं कि हमारी वैलिड कंपनी है, हमारी वैलिड बिजनेस है, ट्रस्टेड बिजनेस है, ये हमारे पास LLC है, ये हमारे पास LLC आप अमेज़ोन को दिखाएंगे। जब आप अपने अकाउंट के साथ अटैच करेंगे LLC को, तो अमेज़ोन समझ जाएगा कि भाई ये कोई ऐसा वैसा बिजनेसमैन नहीं है या ऐसी वैसी कोई कंपनी नहीं है। बायकायदा इसकी रजिस्टर्ड कंपनी, LLC एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो LLC हमें बाय करनी होती है US में, ठीक है। तो जब भी आप LLC क्रिएट करने जाओ या किसी से करवाओ, तो चीपेस्ट स्टेट में हरगिज़ ना जाइएगा, ठीक है। क्योंकि LLC जब हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ एक अपना ताल्लुक सही बनाते हैं उन लोगों के साथ, तो वो जल्दी अप्रूवल लेते हैं। एक बात माइंड में आप रखना कि जब आप अमेज़ॉन FBA होलसेल करो, तो मेरे कहने का यही मतलब है, जब भी आप अमेज़ॉन FBA होलसेल करो तो विदाउट अप्रूवल आपका अमेज़ॉन काम, आपका बिजनेस काम का नहीं है। वो कैसे, कि भाई जब हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, ये एक एक्सरसाइज टूल है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये मैंने बाय किया फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिटेलर से जिसका नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे, वॉलमार्ट। आपने वॉलमार्ट, ई बे तो सुना होगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ई बे से, एक ई बे होल सेलर
ये ईबे रिटेलर है, पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ क्योंकि सब लोगों ने ईबे सुना है। ईबे फॉर एग्जांपल एक होलसेलर है। मैं ईबे से ये प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ। ये कौन से प्रोडक्ट है? फॉर एग्जांपल ये डव की प्रोडक्ट है। डव तो सुना होगा आपने, ये ब्रांड है एक, ये एक ब्रांड है। मैं ब्रांड से अप्रूवल लूँगा, उसको मेल करूँगा। उसको मेल कैसे कर सकता हूँ? जब उसको मैं मेल करूँगा अपने डोमेन से, अपनी वेबसाइट, अपनी मतलब डोमेन प्रोफेशनल मेल से लोगों को मेल करूँगा कि भाई ये मेरी LLC है, ये मेरा नाम है, ये मेरी वेबसाइट है, मुझे अप्रूवल दे दो ताकि मैं आपके प्रोडक्ट सेल कर सकूँ अमेज़ोन पे। ठीक है, तो वो मांगते हैं कुछ इनवाइसेस। इनवाइसेस मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपसे। तो LLC मस्ट, LLC एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आप उसको दिखाएंगे कि भाई हम रजिस्टर्ड कंपनी है, मेरी रजिस्टर्ड बिजनेस है मेरा US में, तो वो यकीन कर लेता है। अदरवाइज़ वो यकीन नहीं करेगा भाई कौन हो, ऐसे तो मैसेज नहीं कर लिया। हम उसको अपनी वेबसाइट देते हैं जो हम बनवाते हैं, और अपनी LLC सर्टिफिकेट दिखाते हैं। हम मतलब हम रजिस्टर्ड, हमारी कंपनी है US में। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इसकी। ईबे से मैंने ये बाय किया, कितने? 15, 50, 50 यूनिट मैंने फॉर एग्जांपल ये बाय किया, 200 यूनिट, 200 कर लेते हैं, ये एक यूनिट है। मैंने 200 यूनिट ईबे से ये बाय किया, मुझे कितने मिला? ये मुझे मिला $2 में। कितने में? $2 में मुझे ये मिला ईबे से। अभी मैं ये सेल करूँगा अमेज़ोन पे। अभी अमेज़ोन पे जाऊँगा कि ये कितने में बिक रहा है। ये अमेज़ोन में बिक रहा था तकरीबन तकरीबन $32 का। अब आप हिसाब लगाओ, मैंने होलसेल में बाय किया ये $5 का, फॉर एग्जांपल $5 का, और ये बिक रहा है $32 का। तो आप बताओ कितना मुनाफा हुआ? ठीक है, $27 मेरे बच रहे हैं। अगर मैं सब कुछ काट कूट के, अमेज़ोन की फ़ीस, ये वो शिपिंग विपिंग सब कुछ काट कूट कर भी, मेरे इस पर $20 मेरे बचेंगे, मेरे $20 इस पर बचेंगे। फिर मैं क्या करूँगा? अगर मेरे 200 पीस है, तो अभी आप लगाओ कैलकुलेटर कि आप कितने बच रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। ये मेरे $20 मेरे एक पे बच रहे हैं। मल्टीप्लाई करता हूँ 200 से, मेरे 200 पीसेज हैं। अब आप बताओ कितने बच रहे हैं? 4। कितने बच रहे हैं? बच रहे हैं 4,000। अब आप देखो कितने बच रहे हैं? 4,000 बच रहे हैं। $4,000 बच रहे हैं मुझे 200, 200 से, अगर मैं पीस के साथ करूं। तो आप देखें कि कितना फ़ायदा है। ठीक है, तो आप देखिए कितना फ़ायदा है अगर हम अमेज़ोन पे बिजनेस कर रहे हैं तो। ठीक है, तो भाई अमेज़ोन एक बड़ी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये मैंने प्रोडक्ट लिया $5 में, इसको मैं सेल कर रहा हूँ $32 में अमेज़ोन पे। ठीक है, तो ये फ़ायदा है अमेज़ोन का। ये लेक्चर 2 था। आई होप कि आपको LLC, हमारा जो मेन क्लास था वो था LLC के बारे में। आई होप आपको LLC समझ में आई होगी कि LLC क्यों ज़रूरी ज़रूरी है और क्या ज़रूरी है। LLC के बगैर आप अमेज़ोन FBA होलसेल हरगिज़ नहीं कर सकते। आपको अमेज़ोन FBA होलसेल स्टार्ट करना है तो आपको LLC लेनी पड़ेगी किसी स्टेट में। अगर आप US में कर रहे हैं तो आपको US में LLC लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास LLC होगी। फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर्ड एक कंपनी है, आपकी एक रजिस्टर्ड आपकी कंपनी है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी शॉप लेते हैं तो वहाँ उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। कोई भी मेडिकल होती है उसको बोलते हैं भाई ये रजिस्टर्ड है। कोई स्कूल होता है भाई ये रजिस्टर्ड है, सही लिखा होता है, रजिस्टर्ड एक नंबर लिखा होता है। तो ये भी अब अगर US में बिजनेस कर रहे हैं अमेज़ोन पे, तो हमें ये रजिस्टर्ड करवाना होता है कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, हम रजिस्टर्ड हैं, तभी जाके अप्रूवल मिलती है। तो अमेज़ोन FBA होलसेल का जो सारा मेन मकसद है, सारी बिजनेस डिपेंड करती है कि भाई हम किसके साथ काम कर रहे हैं। जैसे हम होलसेलर के साथ काम कर रहे हैं तो आप देखें भाई होलसेलर, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं। ठीक है, होलसेलर के साथ कम्युनिकेशन उसके साथ सही करनी है। तो इस वजह से ये हमारा क्लास था एक। तो इंशाल्लाह हम तीसरे क्लास में मिलेंगे फिर। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। या कोई वीडियो समझ में नहीं आ रही तो
तो इंशाल्लाह मैं उस पर एक और वीडियो बना दूँगा। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।